गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम आपके लिए फिर से हाजिर हैं 50 क्वेश्चनों के क्विज के साथ, जिसमें आपको एग्रोनॉमी से रिलेटेड 50 क्वेश्चनों की क्विज कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज के साथ में। आप लोगों को जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? स्टीवेंसन स्क्रीन इज रिलेटेड टू, जो स्टीवेंसन स्क्रीन होती है किससे रिलेटेड होती है? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। बैक्टीरियोलॉजी से होती है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी से होती है, या फिर एग्रोमेट्रोलॉजी से होती है, या फिर रिमोट सेंसिंग से होती है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो स्टीवेंसन स्क्रीन किससे रिलेटेड होती है? ये एग्रोमेट्रोलॉजी से रिलेटेड होती है स्टीवेंसन स्क्रीन। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। आप लोग फटाफट आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, बॉटेनिकल नेम ऑफ सेवान ग्रास इज, जो सेवान ग्रास है इसका बॉटेनिकल नेम क्या है? जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। लॉरियस इंडिकस है, या फिर पैनिकम मैक्सिमम है, या फिर साइनोन डैक्टिलॉन है, या फिर सेंक्रस सिलेरियस है। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। जो सेवान ग्रास है इसका इसका बॉटेनिकल नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए नंबर होगा, लेसीरियस इंडिकस। इसका सही आंसर ए नंबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, हमारा कौन सा है? RMO-40 इज ए वेराइटी ऑफ, जो RMO-40 है ये किसकी वेराइटी है? जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। क्या ये मूंग बीन की है, या फिर उड़द बीन की है, या फिर हॉर्स बीन की है, या फिर मॉथ बीन की है? जल्दी से आप लोग बताइए आंसर, फटाफट दीजिए आंसर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? जो RMO-40 वेराइटी है ये किसकी वेराइटी है? ये मॉथ बीन की वेराइटी है। इसका सही नंबर क्या है? डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमंगेस्ट ऑयल केक द हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट इज इन, जो ऑयल केक दिए हैं इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किस में पाई जाती है? जल्दी से आप लोग बताइए। क्या कैस्टर में पाई जाती है, या फिर नीम केक में पाई जाती है, या फिर ग्राउंड नट केक में पाई जाती है, या फिर कोकोनट केक में पाई जाती है? जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या है। आप लोगों ने बहुत बार इसको पढ़ा होगा, तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सी नंबर, बिल्कुल सही आंसर है। ग्राउंड नट केक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है इन बाकी सबके कंपेरिजन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब, इसका अगला क्वेश्चन हमारा पाँच नंबर क्वेश्चन कौन सा है? द टर्म एवर ग्रीन रिवोल्यूशन हैज़ बीन गिवन बाई, जो एवर ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म है किसने दिया था? जल्दी से आप लोग बताइए, जो टर्म एवर ग्रीन रिवोल्यूशन है किसने दिया था? क्या ए नंबर इसका सही होगा, डॉक्टर AS फरोदा, या फिर बी नंबर MS स्वामीनाथन, या फिर डॉक्टर VL चोपड़ा, या फिर RS फरोदा? कौन सा आंसर का सही है जल्दी से आप लोग बताइए। जो एवरग्रीन रिवोल्यूशन टर्म किसने दिया था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, बी नंबर सबसे सही आंसर है इसका, बिल्कुल करेक्ट नंबर, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। जो टर्म एवरग्रीन रिवोल्यूशन दिया था MS स्वामीनाथन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। मैक्सिमम रेसिड्यूअल एसिडिटी इज एसोसिएटेड विद द कॉन्टिन्यूस सॉइल एप्लीकेशन ऑफ, सबसे ज़्यादा एसिडिटी किस में होती है बाकी सबकी कंपेरिजन में? तो आप लोगों को याद होना चाहिए सबसे ज़्यादा सबकी एसिडिटी कितनी कितनी होती है। तो आप लोगों ने कैन देखा होगा, जो कैन फर्टिलाइज़र होता है कैल्शियम, जिसको हम लोग सोना खाद भी कहते हैं, तो ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इसमें कोई एसिडिटी नहीं होती है। नंबर एक आप लोग याद करिए, तो ये वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया। यूरिया में कितना पाया जाता है? यूरिया की जो एसिडिटी होती है वो होती है 84। जो अमोनियम नाइट्रेट होता है इसकी कितनी एसिडिटी होती है अमोनियम नाइट्रेट की? अमोनियम नाइट्रेट में एसिडिटी होती है 60। और जो अमोनियम सल्फेट होता है उसमें कितना होता है, उसकी कितनी एसिडिटी होती है जल्दी से आप लोग बताइए? इसकी एसिडिटी होती है 110, जो अमोनियम सल्फेट होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसी के साथ में एक दो की और बची है एसिडिटी, जिनकी हम बता देते हैं। जो होता है एनहाइड्रस अमोनिया जो होता है उसकी कितनी होती है? 148 होती है उसकी।
और जो कैल्शियम अमोनियम, जो अमोनियम क्लोराइड होता है इसके साथ में अमोनियम नाइट्रेट की जगह अमोनियम क्लोराइड, तो उसकी कितनी होती है एसिडिटी, 128 होती है अमोनियम क्लोराइड की। तो आप लोग जान चुके होंगे इसके साथ में, और डीएपी की भी आप लोग जान लीजिए, डीएपी की एसिडिटी कितनी होती है 77। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। द क्वांटिटी ऑफ एसएसपी 60% P2O5 रिक्वायर्ड फॉर अप्लीकेशन टू 1 एकड़ ऑफ राइस फील्ड एट डोज ऑफ, जो 1 एकड़ में कितना यूज करते हैं हम, डोज ऑफ 60 kg, तो P2O5 1 हेक्टेयर में कितना यूज करेंगे हम लोग। तो आप लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि 2.47 1 हेक्टेयर में एकड़ होता है। तो फिर हमें क्या कर देना है, 2.47 मल्टीप्लाई कर देना है 60 से, कितना आ जाएगा जल्दी से करिए आप लोग, 0.8 0 2 0 2.8 41। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 148। तो आप देखिए कौन सा आंसर सही होगा, इसका जो सही आंसर क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल कंटामिनेंट ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड ऑन सीवेज स्लज एमेंडेड सॉयल इज, तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका कौन सा है, क्रोमियम होगा या फिर लेड होगा या फिर जिंक होगा या फिर कैडमियम होगा इसका सही आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट बताइए। जो कंटामिनेंट होता है फूड प्रोड्यूस सीवेज एंड स्लड में क्या होता है पोटेंशियल कंटामिनेंट, जो इसमें सही आंसर कौन सा होगा, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा, कैडमियम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सेल वॉल इन द प्लांट, कौन सा न्यूट्रिएंट होता है सेल वॉल में कॉन्स्टिट्यूंट होता है, जल्दी से आप लोग बताइए, सब लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, क्या फास्फोरस होता है, क्या कैल्शियम होता है, या फिर सल्फर होता है, या फिर पोटेशियम होता है, जल्दी से आप लोग सही आंसर बताइए इसका कौन सा होता है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए जो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। जो सेल वॉल में मोस्ट जो न्यूट्रिएंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट में वो कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन इज इन्वॉल्व इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, कौन सा हार्मोन होता है जो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, जो इसका सही आंसर कौन सा होगा जल्दी से आप बताइए, इसका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑक्सीजन जो होता है वो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। हैवी अप्लीकेशन ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर ऑफ्टन लीड टू रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक एंड कॉपर, इसका तो आंसर ही सही लगा है, टिक लगा है, तो इसका कौन सा सही होगा, जो फर्टिलाइजर रिड्यूस किया गया पोटेशियम, जब हैवी अप्लीकेशन ऑफ पोटेशियम लोग फर्टिलाइजर यूज कर देते हैं तो जो जिंक और कैल्शियम का, जिंक एंड कॉपर का जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो रिड्यूस होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इफ ए प्लांट शोज एक्सटेंसिव इंटरवेनियल क्लोरोसिस ऑफ द ओल्डर लीव्स एंड लेट दिस रीचेस द यंगर लीव्स द सिम्टम्स इज ड्यू टू लैक ऑफ, कौन सा न्यूट्रिएंट इसमें होगा, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, या फास्फोरस होगा, या फिर कॉपर होगा, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है, आप लोग फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या है, इसका जो सही आंसर है मैग्नीशियम, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम जल्दी से। फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट इज ए केमिकल यूज्ड इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन ऑर्डर टू, जो पीएमए होता है किस लिए यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए इंक्रीज, क्या करता है इसका वर्क क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है, क्या ये केमिकल
क्या ये इंक्रीज CO2 अपटेक कर देता है, या फिर रिड्यूस रिस्पायरेशन कर देता है, या फिर रिड्यूस ट्रांसपिरेशन कर देता है, या फिर इंक्रीज ट्रांसपिरेशन कर देता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो PMA होता है, आप लोगों को हम कई बार बता चुके हैं कि जो PMA होता है, PMA क्या करता है, इसको हम लोग किस तरह यूज करते हैं, इसको हम लोग करते हैं स्टोमाटा क्लोजिंग टाइप। जब स्टोमाटा क्लोज हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या क्या काम करेगा, ये रिड्यूस ट्रांसपिरेशन कर देगा, ट्रांसपिरेशन रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं हम। वाटर रिक्वायरमेंट इंक्लूड द लॉसेस ड्यू टू, देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से अगर पढ़ेंगे तुरंत आंसर दे देंगे। क्या है जरा इसको छोटा करते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट इंक्लूड द लॉसेस ड्यू टू, क्या होता है वाटर रिक्वायरमेंट लॉसेस ड्यू टू, इवेपो ट्रांसपिरेशन एंड अप्लीकेशन ऑफ वाटर, या फिर बी नंबर कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर एंड अप्लीकेशन ऑफ वाटर, या फिर कंजप्टिव यूज़ वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल ऑपरेशन एंड अदर इकोनॉमिकली अनअवॉइडेबल लॉसेस ऑफ वाटर, या फिर इवेपो ट्रांसपिरेशन एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल ऑपरेशन। इसका सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग फटाफट बताइए इसका जो सही आंसर क्या है। इसका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, वाटर यूज कंजप्टिव यूज वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल ऑपरेशन एंड अदर इकोनॉमिकली अनअवॉइडेबल लॉसेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ऑन ए 20 एकर फॉर्म, एक 20 एकर का फॉर्म है, क्रॉप आर रेज्ड ऑन 50 एकर इन रबी एंड 50 एकर इन खरीफ एंड 20 एकर इन जायद इन अ ईयर, वाट सेल बी द क्रॉपिंग इंटेंसिटी। देखिए आप लोग बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रॉपिंग इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो आप लोग फटाक से फार्मूला लगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। तो जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला होता है हम आपको बताते हैं, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए निकाल के। जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला होता है क्या होता है, इसका होता है नेट क्रॉप्ड एरिया, नेट क्रॉप्ड एरिया अपॉन टोटल एरिया इस 200। तो आप लोग ये फार्मूला लगा के निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए आप नेट क्रॉप्ड एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, कितने बार क्रॉप किए हैं, तो कितने बार क्रॉप किए, एक 20 एकर का फॉर्म है तो टोटल टोटल क्रॉप्ड एरिया हमारा कितना हो गया, 20 हो गया जाके, और जो हम लोग उस पर जो हम लोग क्या करते हैं नेट क्रॉप्ड एरिया जो बात करते हैं, टोटल क्रॉप्ड एरिया 20 हो गया जाके, और जो नेट क्रॉप्ड एरिया हमारा कितना है, रबी में हमने कितना क्रॉप्ड किया है 50 एकर एंड 50 एकर इन खरीफ एंड 20 एकर इन जायद। तो आप लोग इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 अपॉन 20 कट जाएगा, कितना होगा 2.5:100। यहाँ पे 100 भी फॉर्मूले में है ना, तो इसको हम लोग गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 250। तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। जल्दी से आप लोग थ्रू देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कौन सा आंसर सही है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर जो है नॉट करेक्टली मैच्ड है। देखते हैं जो बाजरा का जो इसमें देखिए क्या दिया है, बाजरा का जो जीन है वो TIF23D2A होता है, मेल्स का कौन सा है टी साइटोप्लाज्म है, वीट क्या है RHT1 एंड RHT2, लेकिन राइस में क्या है Norrington। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इसका सही आंसर, जल्दी से आप लोग बताइए इसका क्या होगा, इसका सही आंसर क्या है, इसका Norrington जो आप लोगों ने पढ़ रखा हो, जो राइस का जो जीन होता है क्या होता है, राइस का जो जीन होता है वो क्या होता है DZO जीन होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा DZO जीन पढ़ रखा हुआ आप लोगों ने, लेकिन यहाँ पे लिखा है Norrington। Norrington क्या होता है, जो Norrington इसका ही नाम होता है, इसी जो RHT1 और RHT2 जीन है ये Norrington के ही जीन है। तो ये इसका कौन सा है डी नंबर गलत आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा मतलब कि ये गलत करेक्टली मैच नहीं है, तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट इंक्लूड फ्लोरल एबनॉर्मिलिटीज, कौन सा डिजीज होता है जो फ्लोरा
फ्लावर्स को क्या करता है, फ्लावर्स को इफेक्ट ना करता है या फिर फ्लावर्स को डैमेज नहीं करता है। तो देखिए कौन कौन सा, डाउनी मिल्डू ऑफ मस्टर्ड है क्या इसका सही आंसर, या फिर ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा है, या फिर व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर है, या फिर नन ऑफ दीज। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए इसका क्या सही होगा। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा जल्दी से बताइए, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा जब जो मस्टर्ड वगैरह में होता है, या फिर क्रूसीफेरस जितनी भी फैमिली है उसमें क्या होता है, फ्लावर पे वाइट 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 जैसा रस्ट आ जाता है। तो ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, इसमें ग्रीन ईयर ही लगा है, तो ईयर क्या होता है, बाजरे का जो होता है फ्लावरिंग पार्ट होता है, तो इसको इफेक्ट कर रहा है। लेकिन जो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड होता है, ये इसका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, फिर हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पेयर जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। आप लोग जल्दी से आंसर बताइए, पैडी गार्ड फ्लाई सिल्वर लीफ है क्या, या फिर राइस बग रिप्रेजेंट स्मेल है, या फिर राइस स्टेम बोरर ब्लैक ईयर्स है, या फिर राइस जिगजैग लीफ हॉपर ऑरेंज लीफ है क्या। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा जो पैडी गार्ड फ्लाई होती है क्या करती है, सिल्वर लीफ होता है। ये सही है, करेक्टली मैच्ड है पैडी गार्ड फ्लाई का, जो पैडी गार्ड फ्लाई है ये बिल्कुल सही है। जो राइस बग होगा रिप्रेजेंट स्मेल, राइस गंधी बग आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, राइस गंधी बग क्या करता है, रिप्रेजेंट ऑफ स्मेल, तो भी सही है। राइस गंधी बग जो है स्मेल को रिप्रेजेंट करता है। जो राइस स्टेम बोरर होता है क्या, ब्लैक ईयर्स होते हैं, राइस स्टेम बोरर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ब्लैक ईयर्स होते हैं, नहीं होते हैं। ये राइस स्टेम बोरर क्या करता है, इसमें क्या होता है, इसमें डेड हार्ट बना देता है राइस स्टेम बोरर। और जो इसका गलत पेयर कौन सा है, सी नंबर पेयर, जो राइस जिगजैग लीफ ऑपर होता है वो ऑरेंज लीफ कर देता है, सही है। तो इसका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ पिजन पी इज ट्रांसमिटेड बाई एरियोफिड माइट, एरियोफिड माइट कौन सा डिजीज़ को ट्रांसफ़र करता है पिजन पी में, ट्रांसमिट एरियोफिड माइट, इसमें से जब लोग जल्दी से बताइए कौन से डिजीज़ को ट्रांसफ़र करता है, फाइटोप्थोरा स्टेमराट को ट्रांसफ़र करता है, या फिर सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट को करता है, या फिर येलो मोजेक को करता है, या फिर स्टिलिटी मोजेक को करता है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। जो पिजन पी में एरियोफाइड माइट होता है किस डिजीज़ को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसमिट करता है, ये करता है स्टिलिटी मोजेक को करता है। इसका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री टू इरेडिकेट प्रिकले पियर ओपुंटिया डिलेनी वीड क्या है, इसका सही आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। ओपुंटिया डिलेनी वीड जल्दी से आप लोग बताइए, जो इसमें होता है क्रेशोमेला स्पीसीज जो होता है, ये क्या करता है, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए यूज होता है। जो प्रिकले पियर में पूछ क्या रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री टू इरेडिकेट प्रिकले पियर वीड, प्रिकले पियर वीड क्या होता है, डाइट जो ये क्या होता है, डैक्टिलोपिस टोमेंटोसस, ये क्या होता है, ये हेमी पटेरा का इंसेक्ट है, डैक्टिलोपिस होता है ये। और ये जो सी नंबर क्या है, जाइगोग्रामा बायोकोलोराटा, इसका साइंटिफिक नेम, इसका हिंदी नेम क्या होता है जल्दी से आप लोग बताइए, इसका हिंदी नेम होता है पार्थेनियम बीटल। और कुछ कह रहा है यहाँ पे न्यूकोटिना स्पीसीज, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए, इसका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा, जाइगोग्रामा बायोकोलोराटा सी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्या है हमारा, सॉरी इसका कौन सा सही होगा, इसका बी नंबर सही होगा, डैक्टिलोपियस टोमेंटोसस इसका बी नंबर सही होगा, मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस कांग्रेस ग्रास कैन बी कंट्रोल्ड बाई, जो पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस होती है वो किसके कौन से किसके द्वारा कंट्रोल्ड होती है, जो क्राइसोमेला स्पीसीज के द्वारा होती है। अभी आप लोगों ने पढ़ा क्राइसोमेला स्पीसीज क्या करता है, बायो कंट्रोल है, बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज होता है क्राइसोमेला स्पीसीज। डैक्टिलोपिस टोमेंटोसस आप लोगों ने अभी पढ़ा क्या होता है, ये हेमिपटेरा का है, डैक्टिलोपिसेसिस होता है इसमें, जाइगोग्रामा बायोकोलोराटा ये क्या होता है, ये पार्थेनियम बीटल होता है, अभी आप लोगों को हम बताएं पार्थेनियम बीटल होता है। तो इसका सही आंसर क्या है,
इसका सही आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसको जो सही आंसर है सी नंबर, इसका बिल्कुल सही आंसर है जायगो ग्रामा बायो कोलोराटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल एजेंट इज बीइंग कॉमर्शियली एक्सप्लॉयटेड इज ए बायो कंट्रोल एजेंट। कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट है जो हम लोग यूज करते हैं, क्या पेनिसिलियम नोटेटम है, या फिर बैसिलस सबटिलिस है, या फिर ट्राइकोडर्मा विरिडिस है, या फिर स्क्लेरोटियम रोल्फ्सी है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो पेनिसिलियम नोटेटम होता है वो एक फंगस है, ये क्या करता है, ये सेटेड फूड में यूज होता है, ये क्या करता है इंड्यूर इन्वायरमेंट होता है। जो बैसिलस सबटिलिस होता है ये बैक्टीरिया है, इसको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, कैटलिस्ट के लिए यूज होता है बैसिलस सबटिलिस। जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है ये क्या होता है, इसको हम लोग फंगस बायो फंजीसाइड यूज करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज करते हैं, सीड एंड सॉयल ट्रीटमेंट में यूज करते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी। और जो स्क्लेरोटियम रोल्फ्सी है ये क्या होता है, ये फैकल्टेटिव पैथोजन है। तो इसका जो आंसर है वो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मोर वेस्टेज ऑफ हर्बिसाइड बाई ड्रिफ्ट। सबसे ज़्यादा हम लोगों वेस्ट किस, जब हम लोग ड्रिफ्ट में यूज करते हैं तो सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड कौन से स्प्रेयर द्वारा सबसे ज़्यादा वेस्टेज होता है हर्बिसाइड का यूज हम लोग जब करते हैं, हाई वैल्यूम स्प्रेयर द्वारा, या फिर अल्ट्रा लो वैल्यूम स्प्रेयर द्वारा, या फिर हैंड स्प्रेयर द्वारा, या फिर लो वैल्यूम स्प्रेयर द्वारा। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा इसका सही नंबर। जो इसका सही नंबर क्या होगा, अल्ट्रा लो वैल्यूम स्प्रेयर द्वारा। जब हम लोग धीरे धीरे डालते हैं तो फिर हमारा ज़्यादा वेस्टेज होता है, जो हम प्रेशर ज़्यादा आदि डालते हैं या स्पीड से डालते हैं तो कम वेस्टेज होता है हर्बिसाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स विथ सी एन रेशियो वाइडर देन 20:30:1 लीड टू द सॉयल लीड टू ऑफ सॉयल नाइट्रोजन। क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा, या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, या फिर मिनरलाइजेशन, या फिर इमोबलाइजेशन। जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। आप लोगों ने जब मिनरलाइजेशन पढ़ा होगा तो इसके लिए क्या पढ़ा होगा, जो ये जब 20:1 से कम होगा तो मिनरलाइजेशन होगा, लेस देन होगा, लेस देन 20:0 से नहीं। और जो इमोबिलाइजेशन होता है कितना होता है, 30:1 से जब अधिक होता है तो इमोबिलाइजेशन कहलाता है। अब जब 20:30 होता है तब क्या होता है, तब दोनों कहलाता है इमोबिलाइजेशन एंड मिनरलाइजेशन दोनों होता है। जब 20:30:1 होता है तो क्या होता है, दोनों होता है। लेकिन यहाँ पे आंसर कौन सा सही किए हैं इन्होंने, इन्होंने यहाँ पे आंसर सही किया है मिनरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, फॉर सुगर केन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अप्लीकेशन हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज आफ्टर प्लांटिंग फॉर बेटर सुगर केन कंटेंट इन जूस। 60 डेज पे हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अप्लीकेशन कर देते हैं, क्या करने से पहले, हार्वेस्ट करने से पहले। और उस टाइम पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा अधिक सबसे ज़्यादा शुगर मिल में होती है, ग्लूकोज और हाईएस्ट जूस कंटेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, पोस्टपोनिंग ऑफ फर्स्ट इरिगेशन टू 40 to 45 डेज आफ्टर सोइंग इज ऑलवेज प्रीफरेबल फॉर कॉटन क्रॉप टू। इसका आंसर बताइए आप, प्रमोट सिंपोडियल ब्रांचिंग, या फिर प्रिवेंट एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ, या फिर प्रमोट अर्ली फ्लावरिंग, या फिर प्रमोट मोनोपोडियल ब्रांचेस। जल्दी से आप लोग आंसर इसका बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कौन सा इसका आंसर सही होगा। इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका क्या बी नंबर बिल्कुल सही आंसर, इसका बी नंबर सही होगा, प्रिवेंट एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ इसका सही नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है, इन फंक्शनल एलोपैथी। जल्दी से आप लोग सोचिए फंक्शनल एलोपैथी क्या होती है। एलोपैथी हम बताते हैं आपको, दो तरीके की होती है, एक ट्रू एलोपैथी होती है और एक कैसी होती है, एक फंक्शनल एलोपैथी होती है। तो जल्दी से बताइए कि फंक्शनल एलोपैथी क्या है।
जो फंक्शनल एलोलोपैथी होती है क्या होती है, इसमें कैसा रिली क्या कैसा एलोपैथी, आप लोगों ने तो पढ़ा होगा कि कोई केमिकल रिलीज होता है प्लांट के द्वारा, तो जल्दी से बताइए क्या ए नंबर सही होगा। टॉक्सिक सबस्टेंस आर रिलीज एज सच फ्रॉम द प्लांट। टॉक्सिक सबस्टेंस तो रिलीज होता है प्लांट में, सारे ट्रू हो या फिर फंक्शनल हो दोनों में, तो क्या ये सही है या फिर बी सही है। ए प्रीकर्सर इज रिलीज्ड विच इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव सबस्टेंस बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर सी नंबर सही है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिलीज ऑफ एनी टॉक्सिक सबस्टेंस। ये तो कट ही जाता है क्योंकि एलोपैथी में क्या होता है, रिलीज होता है टॉक्सिक सबस्टेंस। फिर डी नंबर क्या है, रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम नोड्यूल ऑफ लेग्यूम टेक प्लेस, ये भी गलत हो जाता है आपका। इसका सही आंसर कौन सा होगा, जो फंक्शनल एलोपैथी होती है तो इसमें क्या होता है, प्रिकर्सर रिलीज विच इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्टिव सब्सटेंसेस बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, पहले तो जो सब्सटेंस रिलीज होता है वो क्या होता है, वो हार्मफुल नहीं होता प्लांट के लिए, लेकिन जब वो उसको क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तब क्या होता है, प्लांट के लिए हार्मफुल हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल एलोपैथी। और जो ट्रू एलोपैथी होती है इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें डायरेक्टली जो जो फाइटो हार्मोन रिलीज होता है डायरेक्टली प्लांट को, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हार्मफुल होता है प्लांट के लिए, दूसरी क्रॉप के लिए या फिर उसके लिए खुद के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फंक्शनल एलोपैथी क्या होती है और ट्रू एलोपैथी क्या होती है। ट्रू फंक्शनल एलोपैथी में क्या होता है, कन्वर्जन हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, फिर एक्टिव जो सब्सटेंस होता है कन्वर्ट होके फिर अगली अगली प्लांट या फिर अगली अगली फसल को हमारे नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग इज डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ वाटर एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग क्रॉप लाइक कोलोकेसिया। वाटर हार्वेस्टिंग इज डिफाइंड एज, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, आप लोग सब लोगों ने पढ़ा रखा होगा कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, इसको जूम कर लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ वाटर एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, हार्वेस्टिंग क्रॉप लाइक कोलोकेशिया टेप्यूका एंड याम। वाटर हार्वेस्टिंग तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, जल्दी से फटाक से आंसर आ जाना चाहिए। हार्वेस्टिंग डीप वाटर फ्रॉम सॉयल बाई पंपिंग डिवाइस, या फिर यूनिट ऑफ वाटर अप्लाइड टू क्रॉप्स, या फिर कलेक्टिंग द एक्सेस रन ऑफ फ्रॉम रेन ऑन द फार्म इन पॉन्ड्स एंड यूटिलाइजिंग इट्स वाटर फॉर लेटर लेटर फॉर एग्रीकल्चर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, वाटर को हम लोग कलेक्ट कर, जब जब क्या होती है, जब बारिश होती है तो हम लोग वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं कहाँ पे, फार्म के पास में, अगर वहाँ पे हम लोग किसी भी प्रकार का पॉन्ड बनाए या फिर एग्रीकल्चर के लिए कोई किसी भी तरीके का हम लोग गड्ढे के रूप में उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, जब हमें हमारी फसल को क्या होता है पानी की ज़रूरत होती है तो वहीं से हम लोग सिंचाई के लिए पानी यूज कर लेते हैं। तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ निपिंग इन ग्राम। कौन प्रोसेस ऑफ निपिंग इन किस लिए हम लोग निपिंग करते हैं, ग्राम में जो निपिंग करते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है, इसमें पूछ रहा है, जल्दी से आप लोग बताइए। ट्रीटिंग द सीड विद राइजोबियम कल्चर, या फिर टाइंग द ब्रांचेस टू अवॉइड लॉडिंग, या फिर पिकिंग ग्रीन लीव फॉर वेजिटेबल पर्पज, या फिर प्लकिंग द एपिकल बड्स टू प्रमोट ब्रांचेस। जल्दी से आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। निपिंग जो हम लोग ग्राम में करते हैं, निपिंग जो प्रोसेस होता है वो ग्राम में हम लोग क्यों करते हैं, चने में प्लकिंग द क्या करते हैं, निपिंग अगर हम लोग कर देते हैं, निपिंग को हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग बैग भी कहते हैं एक तरीके से, ऊपरी वाला तना जब हम लोग इसका हेड बैग कर देंगे तो क्या होगा, साइड की ब्रांचेस होंगी उनको बढ़ने के लिए प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि ऊपर को न्यूट्रिएंट नहीं जा रहे हैं, बाकी साइड की ब्रांचों के लिए न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं प्लांट द्वारा, तो इसीलिए क्या होगा, प्रमोट ब्रांचेस के लिए हम लोग यूज जो निपिंग प्रोसेस है उसको करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जाम्पल फॉर कैच क्रॉप। फटाक से आंसर आप लोग बता दीजिए, इसका सही क्या होगा, लैनसीड है क्या, या फिर मस्टर्ड, या फिर तुरिया, या फिर ग्राउंड नट, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, तुरिया जो है ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है, फटाक से हो जाती है, 2 महीने में, 2.5 महीने में, 1.5 महीने में करीब में होती है। और कैच क्रॉप हम किसे कहते हैं, कैच क्रॉप जब दो एक क्रॉप आपकी क्या हो, दो क्रॉप के बीच में जो शॉर्ट टाइम बचता है उसमें अगर हम कोई एक शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप अगर उगा लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कैच क्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिले क्रॉपिंग सिस्टम। रिले क्रॉपिंग कौन सा है सिस्टम, देखिए जल्दी से आप लोग फटाक से आंसर बताइए। क्या मेज मस्टर्ड एंड पार्मलेट प्लस काउपी है सही? नहीं, बिल्कुल गलत है। मेज पोटैटो वीट ग्रीन ग्राम या सही है, या फिर ब्लैक ग्राम वीट या फिर ग्रीन ग्राम सही है, या फिर पार्मलेट मस्टर्ड या फिर ग्रीन ग्राम सही है। इसका सही आंसर आप लोग फटाक से बताइए। जो हम लोग क्या कहते हैं रिले क्रॉपिंग सिस्टम, रिले आप लोग दौड़ से रख लीजिए अगर रिले, उसमें क्या होता है एक आदमी होता है वो मशाल लेके भागता है, फिर क्या होता है फिर दूसरे जब अपने थक जाता है तो क्या करता है अपने साइड में खड़े दौड़ते ही दौड़ते उससे दूसरा बंदा ले लेता है मशाल का और दौड़ने लगता है। इसी तरीके से हमारी क्रॉप होती है जो रिले क्रॉपिंग होती है, उसमें क्या होता है मेज जब उगाई जाती है तो उसके उसको काटने से पहले ही पोटैटो उसमें सीड उसका फसल में कर दिया जाता है, बुआई कर दी जाती है पोटैटो की। फिर पोटैटो को काटने से पहले उसमें वीट की बुआई कर दी जाती है, और वीट को कट करने से पहले उसमें ग्रीन ग्राम की बुआई कर दी जाती है। इसीलिए बी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन, टेम्पोरल कम्प्लीमेंटरिटी इन इंटरक्रॉपिंग रिजल्ट फ्रॉम। इसका ए नंबर क्या है, द ग्रोथ पैटर्न ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप डिफरिंग इन टाइम। बी नंबर क्या है, द ग्रोथ पैटर्न ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप डिफरिंग इन हाइट या डिफरेंसेस इन यील्ड या फिर डिफरेंसेस इन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। जल्दी से आप लोग फटाफट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या इसका सही होगा। फटाक से आप लोग जल्दी से बताइए क्या आंसर इसका सही होगा। इसका कौन सा आंसर सही होगा, इसका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा, द ग्रोथ पैटर्न ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप डिफरिंग इन द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, इन ड्वार्फ वीट सोइंग डेप्थ इज रिलेटेड टू। ड्वार्फ वीट में जो होती है जो हम लोग सोइंग डेप्थ किससे रिलेटेड करते हैं, लेंथ ऑफ पेडिकल से या फिर लेंथ ऑफ कोलियोप्टाइल से या फिर टेम्परेचर से या फिर ह्यूमिडिटी से। तो हम लोग ना तो टेम्परेचर के लिए जो ड्वार्फ वीट है उसकी डेप्थ सोइंग का जो डेप्थ ऑफ सोइंग मतलब कितनी गहराई पर सीड को हमें डालना चाहिए कि उसकी जर्मिनेशन अच्छा हो, तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसके लिए क्या मायने रखता है, लेंथ ऑफ कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल क्या होता है, जैसे आप सीड है जो ऊपर की तरफ निकलता है उसे हम कोलियोप्टाइल कहते हैं, जो नीचे की तरफ जाता है जिससे जड़ का निर्माण होता है उसे हम लोग रेडिकल कहते हैं। तो किसके किसके लिए हम करते हैं, कोलियोप्टाइल लेंथ के को रिलेटेड से हम लोग ड्वार्फ वीट की का डेप्थ निकालते हैं, कितनी डेप्थ में सीड स्विंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, द कोहिवनी द कोहिवसिवनेस एंड टेंडरनेस ऑफ कुक्ड राइस डिपेंड्स लार्जली ऑन। जो हम लोग कोहिवसिवनेस है एंड टेंडरनेस जो कुक्ड राइस में किस पे डिपेंड करती है, द परसेंटेज ऑफ एमाइलोज या फिर द परसेंटेज ऑफ एमाइलोपेक्टिन या फिर एमाइलोज एंड प्रोटीन या फिर द प्रोपोर्शन ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। जल्दी से आप लोग फटाक से आंसर बताइए इसका क्या होगा। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा किससे रिलेटेड होता है जो कुक्ड राइस डिपेंड करता है राइजली, इसका डी नंबर सही होगा, द प्रोपोर्शन ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारा। अगला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू आई रिलेशनशिप वॉज डेवलप्ड बाई। जो क्यू आई रिलेशनशिप है किसने डेवलप किया था, जल्दी से आप लोग फटाक से बताइए। क्यू आई रिलेशनशिप मिस्चेलिक या फिर बैकले बैकेट या फिर स्कोफील्ड या फिर मार्टिन, जल्दी से आप लोग बताइए। जो क्यू आई रिलेशनशिप है इसका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर जो है नॉट करेक्टली मैच्ड है, देखते हैं कौन सा है। एक तरफ हर्बिसाइड ग्रुप दिया है, एक तरफ कॉमन नेम दिया है, हर्बिसाइड ग्रुप है एक तरफ कॉमन नेम है। फिनॉक्सी एसिड्स है 2,4,5 ट्राइफिनॉक्सी एसिड या फिर यूरिया आइसोप्रोटीरान, कौन सा गलत मैच है, या फिर एसिटामाइड ब्यूटाक्लोर होता है या फिर कार्बामेट्स डीनोसैब होता है, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। इसका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ये मैच नहीं है कार्बामेट्स जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन, द पॉसिबल लिमिटेशन इन द इफेक्टिव यूजेस ऑफ एजोला आर। जो पॉसिबल लिमिटेशंस होती हैं एजोला की कौन कौन सी होती हैं, लॉस लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लो सर्वाइवल रेट ड्यूरिंग समर, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन,
या फिर ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। पॉसिबल लिमिटेशन इन द इफेक्टिव यूजेस ऑफ एजोला, इसका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा, इसका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। सभी सभी लिमिटेशन जो हैं एजोला के लिए सही हैं, सभी लिमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्या है ओरिजिन प्लेस ऑफ पोटैटो। फटाक से आंसर बता दीजिए, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है ये तो। पोटैटो को ओरिजिन प्लेस क्या है, साउथ अमेरिका या फिर आप लोग बोल सकते हैं पेरू, साउथ अमेरिका या फिर पेरू, इसका सही आंसर होगा बी नंबर, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ क्रॉप दी है, एक तरफ सोइंग टाइम दिया है, जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। कॉटन साउथ इंडिया में कब कब सोइंग टाइम है इसका, अगस्त सितंबर, क्या सही है? जी हाँ ये बिल्कुल सही है। शुगर केन जून जुलाई अगस्त, असाली क्रॉप, क्या सही है ये? जी हाँ जुलाई जून जुलाई होता है, जुलाई अगस्त भी हम लोग कहीं पे पढ़ते हैं, जुलाई अगस्त भी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, लेंटिल नॉर्दर्न इंडिया में लेंटिल, क्या जुलाई अगस्त सही है या फिर सोयाबीन नॉर्थ इंडिया जून जुलाई, ये बिल्कुल सही है। तो इसका गलत पेयर क्या है, जो लेंटिल नॉर्थ इंडिया में सोइंग की जाती है, कब की जाती है नॉर्थ इंडिया में, इसका सोइंग टाइम क्या है, मार्च टू अप्रैल, इसका सही आंसर है मार्च टू अप्रैल, इसीलिए ये करेक्टली मैच नहीं है, चलिए सी नंबर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है, सोयाबीन इज ओरिजिनेटेड इन, सोयाबीन इज ओरिजिनेटेड इन, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान क्या है, जल्दी से आप लोग फटाक से आंसर बताइए, बिल्कुल सरल बच्चों वाला सवाल है ये। इसका कौन सा आंसर सही होगा, इसका बी नंबर बिल्कुल सही है, चाइना, सोयाबीन का जो उत्पत्ति स्थान है वो चाइना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, द फील्ड कैपेसिटी द वैल्यू ऑफ पी एफ इज, जो फील्ड कैपेसिटी है वैल्यू ऑफ पी एफ होती है कितनी होती है, फटाक से आंसर बताइए। आप लोगों ने चार्ट पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट द पी एफ वैल्यू इज, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पी एफ कितना होता है और फील्ड कैपेसिटी पे पी एफ कितना होता है, जो फील्ड कैपेसिटी पे पी एफ होता है वो कितना होता है, वो 4.2 होता है, और जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे पी एफ होता है वो कितना होता है, फटाक से आंसर आप लोग बताइए, जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे होता है आप लोग, जो पी एफ किसने दिया था, जल्दी से बताइए, पी एफ जो किसने दिया था, जो पी एफ दिया था वो किसने दिया था, जो फील्ड कैपेसिटी भी होता है कितना होता है पीएफ, फील्ड कैपेसिटी भी होता है 2.5 होता है, और इसका सही आंसर कौन सा होगा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे इसका 4.2 होगा, इसका सही आंसर। जो पीएफ दिया था, पीएफ ने किसने पीएफ दिया था, इसको फील्ड ने दिया था, इसको फील्ड ने पीएफ की खोज की थी, तो दोनों आंसर सही होंगे, जो पीएफ क्या फील्ड कैपेसिटी पे कितना होगा, 2.5 होगा पीएफ, और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे 4.2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द परसेंटेज पोर स्पेस इन सॉयल हैविंग ए बल्क डेंसिटी ऑफ 1.16 mg पर मीटर क्यूब एंड पार्टिकल डेंसिटी ऑफ 2.62 mg पर मीटर क्यूब इज। आप लोगों ने परसेंटेज ऑफ पोर स्पेस का फार्मूला लगा कि फटाक से इसका आंसर बता दीजिए, इसका सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा पोर स्पेस का फार्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ पोर स्पेस इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, जल्दी से फार्मूला हम बता दे रहे हैं, 1 - BD / PD इज 200। इसको हम दूसरा भी कैसे तरीके लिख सकते हैं, PD - BD / PD इज 200। ये फार्मूला लगा के हम कैसे निकाल सकते हैं, जल्दी से बताइए कैसे निकालेंगे। पी डी की वैल्यू रखेंगे, पी डी की वैल्यू कितनी है, पार्टिकल डेंसिटी 2.62 माइनस 1.16 अपॉन 2.62 इस 200। जल्दी से कैलकुलेट करिए कितना होगा, इसको माइनस कर लीजिए, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 1.16 अपॉन 2.62
सिक्स टू, उसका कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। 2.62 आप लोगों को दिख रहा है, पॉइंट कट कर देंगे कितना हो जाएगा, इसका कितना आएगा, फिर इसको कर देंगे 2.44 जीरो, तो इसका कितना आ जाएगा 44.2, इसका सही आंसर होगा 44.2, इसका मतलब बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग सेट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अमंग द फॉलोइंग द सेट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच आर एब्जॉर्ब्ड एज एनायंस बाई प्लांट इज, जो न्यूट्रिएंट्स हैं कौन सा सेट है, जो कौन सा सेट है इसमें जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं सभी एनायंस फॉर्म में यूज होते हैं प्लांट द्वारा, जल्दी से आप लोग बताएं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जबकि पूरा हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाए। देखिए जो कौन सा सेट है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट जो हैं वो एनहांस मतलब माइनस फॉर्म में यूज प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, इसमें फर्स्ट में देखिए क्या बोरान है, बोरिक एसिड में यूज होता है बोरान, इसमें क्या है क्लोरीन सी एल माइनस माइनस के रूप में प्लांट यूज करते हैं, कॉपर जो होता है क्या करते हैं सी यू प्लस प्लस में होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, ये नहीं सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन सा है, कॉपर, कॉपर के किस लिए यूज में होता है सी यू प्लस प्लस में, इसलिए ये भी कट जाएगा हमें, जिसमें सभी सभी जो क्या है न्यूट्रिएंट निगेटिव फॉर्म में यूज होते हैं प्लांट जो जिनको एब्जॉर्ब करते हैं वो सही इसमें आंसर पूछ रहा है। पोटेशियम किस में यूज करता है, जल्दी से आप लगे पोटेशियम आयन के रूप में पोटेशियम को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये भी गलत है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बोरान, बोरान क्या कैसे यूज़ करता है, ये इसको यूज़ करता है बोरान जो होते हैं प्लांट क्या किस में यूज़ करते हैं, इसको हम लोग बोरिक एसिड में, बोरिक एसिड में प्लांट यूज़ करते हैं बोरान को, क्लोराइड को कब करते हैं सी एल माइनस के रूप में यूज़ करते हैं, मॉलिब्डेनम को किस रूप में यूज़ करते हैं एम ओ ओफ फोर माइनस माइनस में यूज़ करते हैं, ये भी निगेटिव फॉर्म में यूज़ करते हैं, जो फास्फोरस होता है इसको किस रूप में प्लांट यूज करते हैं यस टू पी ओ फोर माइनस में यूज करते हैं माइनस माइनस में, और जो सल्फर होता है इसको किस रूप में करते हैं यस ओ टू माइनस माइनस में प्लांट यूज करते हैं, तो उसका सी नंबर डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं हमारा कौन सा है, ए फर्टिलाइजर विच सप्लाइज थ्री एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, जल्दी से आप लोग ये बताइए, अभी कोई पेपर अभी जो पेपर्स हुए हैं उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है इसमें थ्री एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, क्या डीएपी है, क्या एमओपी है, या फिर एसएसपी है, या फिर एसओपी है, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए इसका क्या सही है। इसमें जो एसएसपी है इसमें थ्री प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, इसका सी आंसर तो सही है एसएसपी में, लेकिन कौन कौन से होते हैं, जो इसमें फास्फोरस होता है वो कितना पाया जाता है 16% फास्फोरस पाया जाता है, कौन से P2O5 जो कितना होता है 16% पाया जाता है, जो सल्फर होता है इसमें कितना होता है 12% सल्फर 12% होता है, और लेकिन इसमें और कौन सी चीज़ पाई जाती है कैल्शियम इसमें पाया जाता है 19%, इसीलिए थ्री एसेंशियल न्यूट्रिएंट एसएसपी द्वारा होते हैं इसके, इसीलिए आंसर सी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफ चीलेट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन टू क्रॉप्स ग्रोन ऑन एसिड सॉइल, इसका कौन सा आंसर सही होगा, एफ एडिटा या फिर एफ इढ़ा या फिर एफ डिप्टा या फिर एफ हेडटा, कौन सा सही होगा ए बी सी डी, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, एफ चीलेट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन, इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा, डी नंबर एफ ई हेडटा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर कंटेंट वाटर सॉल्युबल, कौन सा फर्टिलाइजर है जो वाटर सॉल्युबल है, क्या एसएसपी है या फिर डीसीपी है या फिर एमएपी है, जो इसमें एसएसपी और एमएपी है ये दोनों वाटर सॉल्युबल हैं, तो इसका कौन सा सही होगा, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, स्टेम नो डिल्यूशन अकर इन ग्रीन मैन्योर क्रॉप ऑफ, इसका सही फटाक से आप लोग आंसर बताइए, क्या सस्पेनिया एक्यूटा है या फिर सस्पेनिया सस्पेनिया कैनोबिना है या फिर क्रोटोलेरिया जंसिया है या फिर एस्केचाइनो एस्केनोमेन
एफसा पेरा है। जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका डी नंबर बिल्कुल सही होगा, जो स्टेनोबुलेशन में होता है, नोडुलेशन में होता है, क्या कौन सा होता है, इसके चाइनोमेन एफरास्पेरा। इसका डी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा। हाइब्रिड राइस फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन वाज फर्स्ट इवॉल्व्ड इन। सबसे पहले हाइब्रिड राइस का कमर्शियल प्रोडक्शन कहाँ इवॉल्व हुआ था। आप लोगों ने सबसे पहले हाइब्रिड राइस पढ़ चुके होंगे। सबसे पहले हाइब्रिड राइस किसने बनाया था, एक साइंटिस्ट कौन थे, लॉन्ग पिंग योंग, चाइना के थे, लॉन्ग पिंग योन। इन्होंने कब बनाया था, 1974 में हाइब्रिड राइस बनाया था चाइना में। तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। इन्होंने ही कॉम जब चाइना ही बनाया तो चाइना ही सबसे पहले कॉमर्शियल प्रोडक्शन में सबसे पहले करेगा ही, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए क्या है। इन टोबैको द बेसिक एम ऑफ टॉपिंग एंड डीसकरिंग इज टू। जो टोबैको में हम लोग टॉपिंग और डीसकरिंग करते हैं, इसका हमारा क्या एम होता है, क्या इसका एम क्या होता है, हम लोग क्यों टॉपिंग और डीसकरिंग करते हैं, कौन सा आंसर होगा। रिड्यूस द प्लांट हाइट, प्लांट हाइट को कम करने के लिए यूज करते हैं इसका मुख्य एम है, या फिर इनकरेज ब्रांचिंग, ब्रांचिंग को इनकरेज करने के लिए, या फिर डाइवर्ट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फ्लावर हेड्स टू लीफ, या फिर प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट लॉडिंग, किस लिए करते हैं। जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो हम लोग टॉपिंग और डीसकरिंग करते हैं किस लिए करते हैं, डाइवर्ट एनर्जी के लिए करते हैं, न्यूट्रिएंट फ्रॉम फ्लावर हेड टू लीव्स, सी नंबर का बिल्कुल सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन की क्विज के साथ में। चलिए सी के साथ में, धन्यवाद।